नमस्कार दोस्तों, देशवाल व्लॉग में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग सब आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे। साथियों, परिवार के साथ ज्यादा व्लॉग नहीं आ पा रहे क्योंकि मेरी शूटिंग लगातार चली हुई थी और फिर दो दिन के लिए मैं हरिद्वार चला गया था। हरिद्वार से आने के बाद हमने अपनी खोटा सिक्का जो वेब सीरीज विजय वर्मा सर के साथ है उसका शूट करना पड़ा और एक नई वेब सीरीज शुरू हुई है साथियों, जिसका नाम है उल्टा सिस्टम। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसने भी जाके देखियो। बहुत ही अच्छी कॉमेडी वेब सीरीज बनाई है, नया चैनल है, सपोर्ट करियो दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट की बिना हम कुछ नहीं कर सकते कलाकार। तो भाई काफी दिन हो गए फैमिली व्लॉग बनाए, आज का व्लॉग फैमिली के साथ बनाऊंगा और आज हम जान लाग रहे हैं भाई हाँसी में, हाँसी शहर में, क्योंकि जो अरमान मलिक भाई है उनके बड़े भाई कालू हाँसी रहे हैं और कई दिन हो गए बात होते भाई थे। काफी काम हमने साथ में कर रखा है, अरमान भाई, कालू भाई, मैं, कृतिका, पायल भाभी। तो आज मैं जान लाग रहा हूँ कालू भाई के पास फैमिली ने लेकर है। तो आप लोग व्लॉग में बने रहियो, मजा होगा। हाँसी की अच्छी अच्छी चीजें दिखाऊंगा आपने, वहां के जो महल है, जो पुरानी चीजें हैं वे भी दिखाने की कोशिश करूंगा, वहां का फूड कैसा है हाँसी शहर का, तो ये सब मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों से एक ही गुजारिश है, व्लॉग में बने रहियो दोस्तों। ये जी घराली भी तैयार हो ली है, देखो अपना बैग वैग पैक कर लिया इसने और काफी खुश दिखाई दे है, सोनू काफी खुश आज तक। चलो, और ये पता नहीं ये पुरानी क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो भाई? ये अपनी ज्योमेट्री देख रहा है। चलो छोटे, लेट हो गए बेटे, बहुत लेट हो गए। भाई दोस्तों, ये छोटा ना इतना परेशान करे हमने कि तो सफर में जाते हो चाहे कुछ भी करते हो, इतनी शरारत करता चल रही हो, इसके कान पाड़ने पड़ेंगे। अभी दोस्तों बस स्टैंड पर पहुंचे हैं और ये देखो यहाँ पे बैरिकेड लगा दिया, इस तरफ बहुत ज्यादा रेहड़िया लग गया करती और पूरा घेर रखा था, यो वाला फुटपाथ भी, यो भी, ये सामने मेट्रो है और इस तरफ बस स्टैंड है, तो ये सब खाली करा दिया प्रशासन द्वारा। अभी हम बैठेंगे दोस्तों हाँसी हिसार वाली बस में, जो कि हमने हाँसी उतारेगी। सूदी बस मिल गई तो ठीक है, नहीं तो रोहतक तक हमने जाना पड़ेगा, फिर रोहतक से आगे मैम वाली में बैठना पड़ेगा। अभी सारी बस जो है रोहतक की है, ये रोडवेज भी रोहतक की है, हाँसी हिसार की पीछे तो आऊंगी, तो थोड़ी देर वेट करांगे, अगर हमने धुरकी मिल गई तो ठीक है, बच्चे दुखी ना होंगे, नहीं तो फिर रोहतक से बदलनी पड़ेगी। ये दोस्तों बस तो हमने मिली नहीं धुरकी, लेकिन हमने एक पर्सनल गाड़ी मिलेगी या हिसार जाओगी, इसमें हम बैठेंगे। तो जी बच्चे बैठ गए आराम से, और दोस्तों ये एयर कंडीशनर है, इको गाड़ी है, और भाई बोला भाई एसी में बैठा के ले चलूंगा तो मैं भाई, भाई का फायदा हो जाए, अच्छी बात है। तो अभी चलते हैं हाँसी की तरफ। लो जी दोस्तों हाँसी पहुंच गए हैं, हम बहादुरगढ़ से बैठे थे 5 बजे, अभी बजे हैं 6:30, यानी कि 1.5 घंटे में इसने पहुंचा दिया। हम बस में बैठा है तो 2 घंटे लाग जाए, कम से कम 2-2.5 घंटे है ना सोनू? हाँ, क्योंकि ये रोहतक शहर है और मैम शहर के बाहर आया है। तो वही उतरती है, देखो पेड़े की दुकान जो कि हाँसी के मशहूर हैं, पेड़े बहुत ज़्यादा मशहूर है हाँसी, और बहुत सारी दुकानें हैं पेड़े की, और सामने ये बस स्टैंड है हाँसी का, घर का मुझे पता है। अभी चलते हैं कालू भाई के घर की तरफ, उसने परेशान नहीं करूंगा मैं। कालू भाई ने घेवर बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके लिए घेवर लिया है, और छोटे ने भी घेवर पसंद है, कालू भाई के बच्चे ने भी, और इसको भी घेवर ही पसंद है ना देव? हाँसी शहर में मैं तो काफ़ी बार आ लिया, लेकिन मेरी फैमिली पहली बार आई है। सोनू आप भी पहली बार आए हो ना, और छोटे आप पहली बार? तो भाई इनका हाँसी टूर जो है पहली बार है,
मैं तो अरमान भाई के साथ भी काफी बार आ चुका हूँ यहाँ, और भाई हमारी शूटिंग भी होती रहे आशी सारे के आसपास में। मनदीप देसवाल का स्वागत है, आइए भैया अंदर आइए। भाई दो ब्लॉगर साथ में इकट्ठे हो जाए ना तब एक वो हो जाए कालू। मैं बंद ही कर देगा। और भाई बस बढ़िया बैठो। कालू कितने दिन में मिले हम? आप पे मिले हैं भाई 1.5 साल। डेढ़ साल है हैदराबाद में थे। बिल्कुल। और ये हमारे बेटे भाई। नमस्ते बेटे। नमस्ते गोलू। हाँ बेटा नमस्ते बेटा। नमस्ते। और ये सुरजीत ना जान दे हो गए। और सुरजीत भाई ठीक हो? घर में काम धंधा चल रहे हैं। बढ़िया काम चल रखा है। तो भाई अभी आए हैं, अभी पानी पुणी पीवाऊंगे, फिर चाय बनाओगा? कालू दो रहे चाय बनवाऊंगा। दरअसल दोस्तों मैं और कालू भाई विकासपुरी रहा हारते, तो मैं कालू भाई के हाथ की चाय पी आ रहा, और मैं आदत भी पड़ रहा हूँ इसके हाथ की चाय पीने। दो इंसान ऐसे थे जो रात ने कदे मंदीप भाई कदे कालू भाई आप श्रीमान लागे रहते, और लोग नु गया करते सोन दो। और इस कारण तो हम ना एक वो लोग नहीं अरमान भाई का हार था। सोन दो गोलू पायल तो उठते न करते, क्योंकि भाई हमें रात ने 3 बजे भी चाय बना लिया करते, और भाई उसके सुबह 4 बजे भी बना लिया करते, 2 बजे भी, मतलब टाइम नहीं था हमारा। तो भाभी को मिलवाते हैं सरोज से। हाँ। तो भाभी तो ऐसे होगी जैसे थक रही है। तो आइए भाभी आपका वेलकम है कुलदीप होम के अंदर जैसा भी है। तो चलो जी अभी मिलते हैं सरोज भाभी से। सरोज पता नहीं कहाँ पे है। आरती कर रही है सरोज। तो भाई ये एक छोटी सी झोपड़ी अपनी जैसी भी है, ये किचन है। हाँ। तो ये मुस्कान बेटी है, ये अपनी बेटी मुस्कान है दोस्तों। ले मेरे को दे दो पानी। और हमारी भाभी अभी आरती कर रही है, अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। तो जी बच्चे करण लाग रहे हैं आराम, क्योंकि सफर में थोड़ा थक गए। ज्यादा सफर तो नहीं था, 1.5 घंटे का सफर था। और इस तरफ देखो जी, ये मेरे कालू भाई बहुत ही जुगाड़ी बंदा है दोस्तों। घर के जो भी फिटिंग वगैरह के काम हुए है अपने आप कर ले है। विकासपुरी में भी कुछ ना कुछ पाड़ना तोड़ना फिर दूसरी जगह जोड़ना कुछ ना कुछ मेरा भाई करे जा रहा। बहुत ही जुगाड़ी बंदा दोस्तों। और देखो जिसके घर में भाई ये चीज पा जाना, ये इतने ताली पाने जिसके पास हो तो समझ जाइयो बहुत ही जुगाड़ी बंदा है। अरे भाई मेरा भाई तभी रहना किए कर दे, इसका हमने न्यू नहीं वेरा, हमने यो बटन का दबाना हुआ है हमने, लेकिन इसके अंदर के फिट होगा के नहीं। लेकिन कालू भाई मेरा ऑलराउंडर है भाई। मन्ने भाई तने दे रहा है 18 साल काम करे यो। बिल्कुल है। इसे ते यहाँ लग पहुंचे। हाँ बिल्कुल भाइयों का साथ है। रबड़ को नहीं पाई भाई। भाई मिस्त्री है मेरा भाई, तगड़ा भाई। देखो गाइज एक बात बताता हूँ, भाई तो देखो बोलने का वो अपने बेरा ये टैलेंट है, बाकी जैसे भी हैं आपके सामने है, मंदीप भाई भी जैसा आपके सामने है। तो गाइज चैनल को इतना प्यार दे दो। हम 3 दिनों करने वाले हैं फुल मस्ती, सरोज भाभी बच्चे अपने, मतलब कल बच्चों का पेपर होते निकल जाएंगे हम घूमने के लिए, उससे पहले हम जाएंगे दोनों भाई। और कालू भाई एक बात मैं बता दूं, मेरा छोटा भी जो गाड़ी है थोड़ा देख जो काम सीखने लग रहा है। तो ये मेरा चेला है, यो बहुत ध्यान से देखा है, देख ये चेला है मेरा। अरे यो बहुत जल्दी सीख गया है यो भाई, आज से कालू का चेला हो गया है छोटा। गुरु चेला ऐसे है ना जाने कैसे है। तो जी अभी सरोज भाभी आ गई है, अपनी बेटी आ गई है, और सारिका से फर्स्ट मुलाकात है सरोज भाभी की आज, क्योंकि मैं तो घर पर काफी बार आ चुका हूँ। नहीं दो बार नहीं, चौथी बार आया हूँ मैं। एक बार दादी से मिलना आए, एक बार फिर दादी के संस्कार पाए, और एक बार हो रहा था अरमान के साथ, और एक बार हमें बीच रास्ते से वापिस चले गए थे, काम हो गया था अरमान भाई। हाँ तो भाई कालू भाई ने देखो काफी खर्चा कर दिया, मैं तेरे को बताया। अरे भाई यार ये खर्चा नहीं होता। अरे भाई हम तो सूखी चाय पीनी आ रहे हैं। अच्छा सरोज ये खर्चा खुद ना खर्चा खुद करके आ रहे हैं ना। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ भाई, जो ये दो शख्स बैठे हैं ना, इनके अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा है, फिर वो टैलेंट ना दिखाते नहीं है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, देखो अपना जो टैलेंट होता है ना तो वो दिखाओ, ठीक है? जो जलता है उसको जलाओ, जो प्यार करता है उससे और भी ज्यादा प्यार करो,
बिल्कुल नहीं दादा, चलो ये समझेंगे पर बहुत देर हो जाएगी। नहीं नहीं देर नहीं होगी, समझ रही है। तो ये देखो जी, हमारे बेटे दोबारा चाय बना रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि मैं चाय ज्यादा पीता हूँ तो मैंने दोबारा बनवा ली और अब की बार पीऊंगा बेटे के हाथ की। और ये टकला भी चाय बनानी सीख रहे अपने भाई से। तो दोस्तों आज का व्लॉग हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। सभी को राम राम, बाय बाय।